एक कहानी होता है, देखो मधुबन में एक भाई, दिल्ली में एक भाई 50 साल सेंटर में रहता था, 50 साल से। अभी 5 साल उनको पूरा पैरालिसिस हो गया, उनके दो लड़के हैं, शादी करके दिया, एक लड़की है सेंटर संभालती है आज भी गुजरात में, और उसको पूरा पैरालिसिस हो गया, 50 साल से सेंटर में सेवा करते था, तो मधुबन में था। अभी बड़ा बेटा रिटायर्ड हो गया, तो बड़े बेटे को लगा अभी खाली हो गया, पिताजी की सेवा करना चाहिए। दोनों भाई और बहन मिलकर के मधुबन में आए, दादी को बताया, दादी हम पिताजी की सेवा करना चाहते हैं। दादी ने कहा ले जाओ, लेकिन बहन को लगा जो सेंटर चलाती, पिताजी को बाबा ने 50 साल से मुरली सुनाई, ब्रह्मा भोजन खिलाया, अब वो बहू क्या खिलाएंगे, ज्ञान में नहीं चलती है, लेकिन दादी को बता नहीं सकती है, कुछ भी बोल नहीं सकती है, क्या करे, चुप रहे, सेंटर में ले जाती हूँ, नहीं बोल सकता है, सेंटर में नहीं रख सकता है, चुपचाप रहे, और क्या करे, अंदर उसको दुविधा रह गया। लेकिन फिर दूसरे दिन तीनों, दोनों भाई बहन तीनों मधुबन गए, मधुबन में बाबा के कमरे में बैठे, और बाबा के कमरे में बैठती बहन ने कहा, बाबा आपने इस आपके बेटे को 50 साल से ब्रह्मा भोजन खिलाया, मुरली सुनाया, और अभी आप उनको घर भेज रहे हो, मुझे ठीक नहीं लगा, लेकिन मेरा पिताजी नहीं, वो आपका बेटा है, आप जानो, ऐसा सुना करके आ गई, कोई उनको विश्वास देता, बाबा सुनता भी है। शांतिवन आई, उसी दिन गुलजार दादी के तन में शाम को बाबा आता है शांतिवन में, डायमंड हॉल में, तो डायमंड हॉल में बैठे थे सब, लास्ट में बाबा दृष्टि दे रहा था, तो उनको पिताजी को व्हील चेयर पर लेके आए, दोनों भाई दोनों एक बहन बाबा से दृष्टि देते देते गए, सब लोग उतर गए, लास्ट में बहन स्टेज पर कोने में बैठी रही। अंत में बाबा जाते जाते बाबा ने बच्ची को बुलाया, बच्ची जो निर्णय लिया वो सही है, उसको याद भी नहीं क्या सुना, सवेरे सुना के ऐसे आए थे, विश्वास नहीं है कि बाबा सुनता है, फोटो है, ऐसे सुना के आए थे, तो उसको याद भी नहीं क्या क्या बाबा ने कहा, जो निर्णय लिया। एक घंटे के बाद याद आया कि सवेरे मधुबन में गए थे बाबा के कमरे में, बाबा को सुनाया था, तो जो इस बाबा ने निर्णय लिया उन्होंने, दादी ने, तो सही है, चुप रहे, भाई लेके गया। एक साल बड़े भाई ने पिताजी की सेवा की, एक साल के बाद भाई शरीर छोड़ के गया। अब बहन को चांस मिला भी कौन संभालेगा, बहन पिताजी को आज सेंटर में लेकर आज 99 इयर्स है, पिताजी की सेवा कर रही है, आज भी जीवित है। बहन की इच्छा थी लेकिन बोल नहीं सकती है, ले जा नहीं सकती है। अब भाई ने शरीर छोड़ दिया, छोटा भाई नहीं रख सकता है, वह भाई ने भी कहा, और पूछने नहीं, शायद घर से ले गए, वहां से सीधा आप ले गए सेंटर में रख करके, बहन मुरली सुनाती है, सेवा करती है पूरी 99 इयर्स, पिताजी का आज भी जीवित है। तो भगवान सुनता है, दोनों का सुना है ना, बेटे की भी इच्छा थी मैं भी सेवा करूं, बाबा दोनों को सुनता है, दोनों को निर्णय लेता है, एक तरफ नहीं, बेटे की इच्छा थी बेटों को भी संतुष्ट किया, पता था थोड़ा दिन करके जाएगा, लड़की की भी इच्छा थी लेकिन उसकी भी सेवा, आज तक सेवा कर रहे, तो बाबा सुनता है। बाबा के कमरे में कौन बैठा हुआ, क्यों जाते हो बाबा के कमरे में, हाँ भगवान तब का यहाँ है, हर बात सुनता देख।